हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ फिर से टॉप है ये न्यू ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर वन से, जिसको करने के लिए आपको आना इस वेंडिंग मशीन के पास। ये जो ड्रॉप की तरह गिरती है, फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से बैठना है। फिर अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो आपको पीछे से गाड़ी से धक्का दे, और अगर आप यहाँ पे बिलो कार या टुक टुक का यूज करते हो फिर उसको बोलना है कि वो पीछे से धक्का दे, मतलब गाड़ी को उल्टा करके आपको धक्का दे। बट अगर आप यहाँ पे जीप का यूज करोगे फिर आप सीधा भी धक्का दे सकते हो, मतलब आप अपने फ्रेंड को बोलना है फिर सीधा वो धक्का दे, और उसके बाद आप इसके अंदर चले जाओगे। यहाँ पर आप इजीली कैंप वगैरह कर सकते हो, अपनी रैंक को पुश कर सकते हो, और यहाँ पर कोई भी आपको नहीं देख पाएगा। आप यहाँ पे अच्छे से इनविजिबल हो जाओगे, यहाँ पर चाहे कितने भी एनिमीज आए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई भी नहीं देख पाएगा। और अभी मेरे फ्रेंड ने भी क्या किया था, अभी मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मेरा फ्रेंड यहाँ पर बैठ चुका है, अभी मैं उसको अंदर भेजता हूँ। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैंने ऊपर गाड़ी को पीछे से इस तरीके से रखा है, अभी मैं पीछे से इसको ले जाऊँगा। तो अगर आप यहाँ पे ब्लू कार का यूज़ करते हो फिर आपको भी इस तरीके से पीछे से उसको धक्का देना है। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरा फ्रेंड एक ही धक्के में अंदर चला गया। बहुत ही ईजी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब इसको कोई भी कर सकता है। और अभी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं मेरा फ्रेंड यहाँ पर बिल्कुल भी बाहर से नहीं दिख रहा, वो अच्छे से यहाँ पर हायर हो चुका है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो रैंक पुश के लिए। यहाँ से कितने भी एनिमीज आए आपको कोई भी ना ही मार सकता है और ना ही आपको कोई देख सकता है, तो आप यहाँ पर अच्छे से हायर हो जाओगे। अभी हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर, और ट्रिक नंबर 2 को करने के लिए आपको आ जाना है शिपयार्ड में। और ये वाली हमारी ट्रिक होने वाली है बर्मुडा रिमास्टर में। तो बर्मुडा रिमास्टर में आपको आना है शिपयार्ड के इस लॉन्च पैड के पास, और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली इस तरीके से लॉन्च पैड को सेट करना है। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, वैसे उतनी हार्ड ट्रिक भी नहीं है ये, बहुत ही ईजी है, इसको कोई भी कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी। बस आपको यहाँ पर एम रखना है, आपकी ये ट्रिक आराम से हो जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पर जैसे ही लॉन्च किया मैं यहाँ पर इसके ऊपर आ गया, और अभी यहाँ पर आराम से आप कैंप कर सकते हो, अपनी रैंक को पुश कर सकते हो। और यहाँ अगर नीचे एनिमीज होते भी है तो आप उनको इजीली किल कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। तो आप उनको इजीली यहाँ से किल कर सकते हो, उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पर बंदा हो सकता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पर इस बंदे को इजीली किल कर दिया, क्योंकि वो एक ही जगह रुका था, उसको पता नहीं था कि यहाँ पर भी बंदा हो सकता है। और अगर आपको यहाँ पर कोई देख भी लिए तो आप यहाँ पर इजीली ग्लोवल भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो वहाँ पर पीछे भी जा सकते हो, वहाँ पर आपको अच्छे से कवर मिल जाएगा। और मुझे पता है शिपयार्ड ज़्यादातर जोन में नहीं आता, फिर भी इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगा, ना ही आपको कोई ग्लोवल यूज़ करना पड़ेगा इस ट्रिक के लिए, ना ही और कुछ। तो आप इस ट्रिक को ईजिली यूज़ कर सकते हो, आपको जस्ट लॉन्च पैड को यूज़ करना है और यहाँ पर चढ़ जाना है, फिर जैसे ही जोन आ जाए आपको यहाँ से नीचे उतरना होगा। अभी हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर, और ट्रिक नंबर 3 को करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर सोशल जोन में। यहाँ पर ये जो कार वगैरह पड़ी होती है यहीं पर आपको आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली इस तरीके से पहले तो मास्टर ट्रक को यहाँ पर लाना है, फिर आपको उसको रिसेट कर देना है। और रिसेट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से उसको थोड़ा आगे ले जाना है, फिर आपको इस वाली गाड़ी में चढ़ना है। मुझे नहीं पता इस गाड़ी का नाम क्या है, और मेरा पिंग भी यहाँ पर थोड़ा सा हाई हो गया था, इसलिए यहाँ पर गेम भी थोड़ा सा लैग हो रहा है। तो इसको यहाँ पर लाने के बाद आपको इसको भी इसी तरीके से रिसेट कर देना है, और इसको भी रिसेट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको चले जाना है यहाँ पे। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आप चाहते हैं यहाँ पर इसको रिसेट कर सकते हो, चाहो तो आप इसी तरीके से भी सेट कर सकते हो। फिर आपको जाना है मॉन्स्टर ट्रक पे, उसको रिसेट कर देना है, फिर आपको फिर से चढ़ना है छोटी वाली गाड़ी में, फिर इसको भी रिसेट कर देना है, और उसके बाद आपको फिर से चढ़ना है मॉन्स्टर ट्रक में, और इसमें चढ़ने के बाद अभी आपको फिर से इसको रिसेट करना होगा। और आप इसी तरीके से जो है सोशल जोन में भी गाड़ी ले जा सकते हो आपको यहाँ पर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कम से कम 10-20 मिनट देने होंगे तभी आप इसको सोशल जोन में ले पाओगे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट सोशल जोन में चली गई थी, लेकिन यहाँ से दीवार से टकरा गई। तो आप इस तरीके से ले जा सकते हो गाड़ी को वहाँ पर सोशल जोन में, लेकिन मेरे पास यहाँ अभी टाइम होता नहीं है, आपको पता ही होगा क्यों। तो मेरा स्कूल वगैरह होता है इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो इस ट्रिक को करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको नहीं कर पाया। बट मैंने आपको बता दिया इसको कैसे करना है, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की ओर, ट्रिक नंबर 4 में मैं आपको दिखाऊंगा वो येलो वाली ट्रिक। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर बॉक्सिंग रिंग के पास, और फिर आपको यहाँ पर खुद ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद अपने फ्रेंड को भी बोलना है कि वो ज्वाइन कर ले। और अंदर आने के बाद जैसे ही आपको दिखे यहाँ पर गेम इज अबाउट टू स्टार्ट, आपको अपने गेम को एग्जिट कर देना है, फिर आपको अपने गेम को फिर से रिकनेक्ट कर देना है। और मैं आपको बता दूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये ट्रिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, इसकी बहुत ही सारे पॉइंट्स है जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जैसे आप यहां पर पहुंच जाओ लॉगिन पेज के पास, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो रिंग से बाहर चला जाए, और फिर आपको यहां पर वेट करना होगा जब तक कि आपकी गेम रिकनेक्ट नहीं होती। और फिर जैसे ही आपकी गेम यहां पर रिकनेक्ट हो जाती है तो यहां पर आपका करेक्टर येलो हो जाएगा। और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, तो अच्छे से सुनना ये बात। अगर आपका डिवाइस अच्छा नहीं है, अगर आपकी गेम को रिकनेक्ट होने में या खुलने में 40 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगता है, तो फिर आप इस ट्रिक को नहीं कर सकते।
हाँ गाइज ये सही बात है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ना ही आपको किसी ने ये बताया होगा, चाहे आपने ये ट्रिक देखी हो या न देखी हो। अगर आपने देखी है तो किसी ने आपको ये बात नहीं बताई होगी। ये बिल्कुल सही बात है, मैंने इस ट्रिक को कम से कम 5-10 बार ट्राई किया, फिर मुझे पता चला कि इस ट्रिक को करना कैसे है। अगर आपकी गेम को टाइम लगता है खुलने में, फिर आप इस ट्रिक को बिल्कुल भी ट्राई मत करना, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ये ट्रिक बिल्कुल भी फिर आपसे होगी ही नहीं, आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो, 1000 टाइम्स ट्राई कर लो, बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये जो आपके पास अभी येलो लाइट है, ये आपके पास ही रहेगी, आप चाहे सोशल जोन में रहो, एयरशिप पे जाओ, कंबार्ड जोन में जाओ, कहीं भी जाओ, ये येलो लाइट आपके पास ही रहेगी। बट इसकी भी एक कंडीशन है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। एक तो आपको अपने फ्रेंड या एनिमी नहीं देख पाएंगे येलो कलर में, और दूसरी बात ये, जब आप यहाँ पे किल हो जाओगे आपका कलर छिना जाएगा। हाँ गाइस आपने सही सुना, आपका कलर फिर चला जाएगा, बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाओगे। तो चलते हैं अभी ट्रिक नंबर 5 की ओर, और ट्रिक नंबर 5 में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप गाड़ी को चला सकते हो पानी के बीच में से। अभी आप पहले देख लो मेरे फ्रेंड के व्यू से, फिर मैं आपको ट्रिक भी समझा दूंगा। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको हर ट्रिक का डिसएडवांटेज, एडवांटेज और उसको कैसे करना, मतलब हर ट्रिक का एक एक पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता जो मेरा वीडियो देखे उसको फिर ये ट्रिक करनी ना आए। तो फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे बंदे कमेंट करते रहते हैं फेक। खैर वो तो आपकी मर्जी है, आप क्या करते हो कमेंट। बाकी अभी मैं आपको इस ट्रिक को समझाता हूँ। यहाँ पर आपको गाड़ी को इस तरीके से एक्सीलेटर पकड़ के रखना है, जैसे आपको लगे गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो चुकी है 100 से ऊपर, आपको जल्दी से यहाँ पर अपने नेट को ऑफ़ कर देना है। और नेट ऑफ़ करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर एक्सीलेटर को दबा के ही रखना है। तो फिर आपको यहाँ पर वेट करना होगा थोड़ी देर, और उसके बाद आपको अपना नेट ऑन कर देना है। और नेट ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर टैप टैप करते रहना है गेट आउट पर, और आपको लगेगा जैसे कि आप पानी में हो आपकी गाड़ी के साथ, लेकिन आपके फ्रेंड को दिखेगा आप मतलब उस साइड पे पहुंच गए होंगे। और ये वाला सीन आप नहीं देख सकते जब पानी के बीच में से गाड़ी चल रही होगी, लेकिन आपका फ्रेंड अच्छे से इसको देख पाएगा और आपकी गाड़ी भी उस साइड में पहुंच जाएगी, वो यहाँ पर नहीं रहेगी। और आप इस ट्रिक को अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो, उनको सरप्राइज अच्छे से कर सकते हो। और फिर जैसे आप यहाँ पर गेट आउट करोगे, आप देख ही सकते हैं मेरी कार उस साइड में आ चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और वीडियो कैसा था कमेंट करके बता देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल नए वीडियो में नाइट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।